बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज की वीडियो में आप खुश आमदीद कहते हैं और आज के दिन में भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ राना सदली और आप हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल सरेरा के ऊपर। तो अभी अभी मुझे कॉल आई है कि दो, असल मैं सोच रहा था कि दो बातें आप लोगों को बतानी है। तो पहली बात यह है कि अभी तो कॉल आई है, दिमाग बता रहा था, अभी मुझे कॉल आई है कि भाई शौकत गए हैं फ़िशिंग करने। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इंजॉय करें फ़िशिंग को। एक तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, दूसरा ये कि आज की सारी वीडियो जो है वो गोप्रो से कैप्चर होगी, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है उसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा लो है, तो मैं उसकी हेल्प नहीं ले सकूँगा। तो ज़ीरो टू एंड सारा गोप्रो से। और सब्ज़ी के ताज़ा तरीन रेट्स भाजी, इधर तक रेट है 160 रुपये। सब्ज़ मिर्च 50 रुपये पाओ। शलजम 40। करेले 80। मैं बता रहा हूँ लोगों को कि रेट क्या चल रहा है आजकल सब्ज़ी का। टमाटर 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। फुल गोभी 80 रुपये। तो बैंगन 40 रुपये। तो आलू, नवे आलू डेढ़ सौ रुपये दर्जन किलो। किलो साढ़े सियासतदान अक्सर आते ना दर्जन, तो मैं तावा से पूछ रहा है। पागल हो गया। कद्दू 40 रुपये किलो। सही हो गया। मेथी की रेट है जना? मेथी भी 10-50 रुपये किलो। खीरे सही। खीरे भी 10-50 रुपये। लहसुन 50 रुपये पाओ। लेना आप? आप सब्जी लेने आए हो? हैं नहीं, मैंने बताया सब्जी लेने आए हो। नहीं तो वीडियो बना क्यों नहीं है? ताकि लोगों को रेट्स पता लग जाए। तो जी ये लोकल रेडी के रेट्स है जो आप लोगों ने भी सब्जी के चेक किए। मलंग अब्दुल्ला, मलंग बनावे जी जी, दे दो खा लो। तो जी यो रही गाड़ी और वो रहा रास्ता और ये रहे हम। तबीयत ख़राब तो है लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ आउटिंग का मामला आ जाए। तबीयत का क्या है, तबीयत तो होती रहती है ख़राब। और ये रहा हमारा रास्ता, मैं तुम बाइक लेके आगे थे, वो रहा नीचे जोहड़ जहाँ पे जाके तो हमने फिशिंग करनी है। ये रास्ता नीचे का है ना, वैसे फिर से एक बार ट्रैकिंग वाला साहब हो गया। जैसे पहाड़ से नीचे उतरना होता है। आए नीचे तो काफी सारे कुत्ते भी हैं, आवाजें आ रही हैं। तो जी ये रहे हमारे मछेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल चाल जी, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। खुनिया लगा दी गई है काफ़ी दूर सट के। और वो रहे भाई शौकत और उनके फैलो। वालेकुम सलाम, किनिया को फड़िया जी
बस एक फड़ ली है। एक फड़ ली, गुड शॉट, माशाल्लाह। कितने जी एक बाल्टी बंद की उड़ना जाए कितने? नहीं उड़नी जाए, ऐसा से हलाल ना हो। अच्छा कराने होने सन सही। और ये कुंडी जो है वो मैंने फेंकी थी, मछली तो कोई नहीं आई, कुंडी वापस आ गई। कोई कुंडी, कोई मछली नहीं आई यार। हम लोग जो है वो दूसरी साइड पे गए थे और यहाँ पे आते तक जो है बैजमन साहब तो जो है वो सो गए हुए हैं और भाई शौकत इंतज़ार कर रहे हैं कि मछली आ जाए तो मेहरबानी होगी उसकी। वो नई कुंडी लगा रहे हैं। बैजमत साहब पहुँच गए हैं, लाहौर पहुँच गए हैं बैजमत। हाँ जी भाई, कोई है सूरत हाल? जनाब एक और नई कुंडी तैयार कर रहे हैं। नई कुंडी इंशाल्लाह। हाँ तो ये भी हम बना के दिन बेच छुटने इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म ना फड़ी जाएगी इंशाल्लाह। की कह रहे हैं, की कह रहे हैं बैजमत, की कह रहे हैं, की कहते पे बैजमत? सुते पे बोली जा रहे, तो समझ नहीं आई। बच्ची फाड़ ली अपनी तरफ। टाइम जो है वो सनसेट का तकरीबन गुजर चुका है क्योंकि अब सिर्फ उसकी जो रोशनी इनके जो सूरज की पिलाहट जिसको बोलते हैं, जर्दी कलर जो बाकी बोलते हैं वो रह चुका है और हल्की सी रोशनी, चांद जो है वो निकल आया हुआ है और भाई शौकत लोग भी जो है वो क्लोजिंग करना शुरू हो गए हुए हैं। ट्रैफिक्स ने जो है वो लाइट्स ऑन कर दी हैं, परिंदे वापस को जा रहे हैं और पानी के अंदर मछलियां जो है वो काफ़ी सारी जंप्स लगा रही हैं और हम लोग भी जो है वो तैयारी करते हैं निकलने की। बैजमत जो है वो घर को जा चुके हैं और कुछ मछली जो है वो बना के हमने भिजवा दी है मार्केट से ले कर, क्योंकि अपने पास जो थी वो ऐसा जितनी नहीं आई है तो वहाँ से जो वो लेके हमने भिजवा दी है। तो होप्स हो के जाते को वो तैयार होगी और फिर फ्राई करके खाएंगे। अभी कॉल आ रही है कि दूसरी तरफ जो है वो ब्रिज के वहाँ पे चलते हैं क्योंकि वहाँ पे कह रहे हैं कि जो है इनके पास मछली का जो है वो शिकार परली साइड पर से ज़्यादा अच्छा मिल जाए। तो ये सारा कुछ होप पे होता है, अगर हो जाए तो होते, नहीं हो तो मुमकिन है कि आप दो दो दिन भी बैठे रहें और आपके पास एक भी मछली ना आ रहा हो। मुमकिन है कि आप आधे घंटे के अंदर इतनी मछलियाँ पकड़ लें कि दूसरे ने दो दिन लगा के भी इतनी ना पकड़ी हो। इट्स ऑल अबाउट लक एंड लक ओनली लक ओनली लक। और अभी जो है वो हमने जगह अपनी चेंज कर ली है, इस जगह पर आ गए। इधर कह रहे हैं कि शायद जो है वो यहाँ पर हमें मछली ज़्यादा मिल जाए। ये देखिए जी फूल बहुत ही खूबसूरत, मतलब फ्लैश ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। और ये कुछ भी जगह नहीं है, अभी बस झाड़ियाँ और चोट छोटा सा, मुमकिन है जो सांप वगैरह भी हो। और लग रहा है कि मछली आई है, छुट गई। खाली पीछे नहीं आई। और अभी जब हम लोग जलाने लगे आग क्योंकि टेम्परेचर भी एक तो लो हो रहा है और सेकंड वन इज दिस के यहाँ पे जो है आग जहाँ पे जली होती है वहाँ पे सांप वगैरह भी जो है वो कम आते हैं। सांप नहीं आएगा अगर आप ओपन में अपने पास आग जला लेंगे तो। ट्रेन भी दिखा दो भाई। वो ट्रेन जा रही, जी हो गया हमारा बाला नहीं कटा। और फाइनली जी हमने अपनी बोनफायर भी कर दी। वैसे वो लकड़ियाँ और तरह की होती है, हमने यहाँ से कुछ जंगल जंगल से जब लिया हमें, हमने उसी की मदद से अपनी बोनफायर कर ली। अब ज़रा हाथ पैर गर्म करते हैं, वैसे पैर तो शूज़ों की वजह से गर्म ही है
हाथ गर्म कर लेते हैं क्योंकि मेरी ऑलरेडी भी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब है, तो इंजॉय करते हैं आग। जंगल तो मंगल लाना ही जी चार कुठे हो ना आप ही मंगल लग जाए। मैं दसन दे रहा जंगल च मंगल लावा लग गया जी। उनते हो गया बेहतरीन काम और सामान बाकी का जो है वो समेट लिया। आग भी तकरीबन ख़त्म होने वाली है, कोयले शोयले काफ़ी बन चुके हैं और अभी बस निकलते हैं। भाई शौकत भी कॉल दे रहे हैं कि निकले, मगर आग के पास से जो है वो उठने को दिल ही नहीं कर रहा। क्यों जब साहब? हाँ जी, आग के कोल उठने दिल ही नहीं कर रहे। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, ठंड बड़ी है। चादर ना बस उत्ते रखिया जे, एनी को अग बड़ी जी नहीं बल गई। तो ले जी हम लोग पहुंच गए फाइनली गाड़ी में और अभी हम चलते हैं घर को जाके। तो जो मछली घर में भेजी है होप्स हो गए काफ़ी हद तक रेडी हो गई होगी, बाकी जाकर उसको फ्राई करके खाते हैं और देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसे का है। मछली के जो पीसेस वगैरह धो दिए हैं सारे और अभी इसको लगा लेते हैं मसाला जात। मसाला जात लगाने के बाद इसको तकरीबन हम रखेंगे 2 आवर्स के लिए ताकि अच्छे से जो है वो मैरिनेट हो जाए और तो उसके बाद जो है तो इसको फ्राई करेंगे। अब्दुल्ला साहब जब वो इंजॉय कर रहे हैं अपना बिस्किट। अब्दुल्ला फिश खानी है? फिश खानी है? अब्दुल्ला ने फिश खानी है? फिश उसे पता है किचन में पक रही है फिश। ऑयल जो है वो गर्म हो गया और अब इसमें डालते हैं पहला पीस। इसको हम करने लगे हैं डीप फ्राई। मेरा हाथ दुख रहा है, लगा था अभी यहाँ पे गिर गया ऑयल। ये रहे हमारे अब्दुल्ला मलंग साहब। अब्दुल्ला ये क्या बना है? अब्दुल्ला मलंग बन गया भाई। हाँ किसने दिया आपको? किसने बनाया? दादी मेरे बना दिए। और मछलियाँ जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, अभी हम जब इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। क्या बात है, निकालें जी। और ये रही जी हमारी मजे की मछलियाँ। अब्दुल्ला जी जी खानी जी हाय। अब्दुल्ला साहब की एक्साइटमेंट चेक कर रहे हैं जी 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 जी, जी, जी। ओ सारी प्लेट ही खानी है अब्दुल्ला? नहीं गर्म है। और अभी जब हम इंजॉय करते हैं मछली, आप भी इंजॉय करें। होप्स हो कि आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा वीडियो को ऑलरेडी। और अपना बहुत सारा खा रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बुजुर्गों का बहुत सा एहतराम कीजिएगा, बच्चों के साथ शफकत बरतिएगा। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।